पंजाब के पटियाला में जुलूस निकालने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, तलवारबाजी और पथराव की घटना। भीड़ ने पुलिस पर भी किया पथराव। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों को नहीं दी गई थी जुलूस निकालने की इजाजत। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हिंसा से किसी का भला नहीं, हर समुदाय को साथ आकर मानवता को बचाना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं। ओडिशा सरकार का दावा अप्रैल के अंत तक बिजली संकट खत्म हो जाएगा। पंजाब में बिजली संकट ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। बिजली की मांग को लेकर किसानों ने पंजाब में मंत्री हरभजन सिंह के घर के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदेश में 10 से 12 घंटे तक कट रही है बिजली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ड्रोन कैमरों से हो रही है निगरानी। त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था सख्त। यूपी में सरकारी फरमान के बाद 41,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की कम की गई आवाज। वहीं 21,000 से के करीब लाउडस्पीकर हटाए गए। फिरोजाबाद में पुलिस की सख्ती के बाद मस्जिद से हटाए गए लाउडस्पीकर। प्रशासन ने आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद उतारे लाउडस्पीकर। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का किया वर्चुअल उद्घाटन। मौके पर बोले पीएम मोदी, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को करना है मजबूत। विकास में सबकी भागीदारी से आएगा आत्मविश्वास। गुजरात दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की गुजरात मॉडल की तारीफ। नड्डा बोले पीएम ने विकास का मॉडल देश और गुजरात में किया स्थापित। हमें इसे आगे बढ़ाते हुए देश को और आगे बढ़ाना है। नड्डा ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी का यूपी के मंत्रियों को निर्देश, सरकार में शामिल मंत्री नहीं ले सकेंगे 5,000 रुपए से ज्यादा महंगे गिफ्ट। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए तय किए गए नियम। आज दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी, मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल लेकिन मुलाकात की संभावना कम। ममता ने कहा पीएम से मुलाकात का नहीं लिया समय, दिल्ली से लौटकर ईद के कार्यक्रमों में होंगी शामिल। एनसीपी नेता शरद पवार भीमा कोरेगांव के आरोपियों से राजद्रोह का मामला हटाने को कहा। भीमा कोरेगांव घटना की जांच कर रहे आयोग के सामने दाखिल अपने एफिडेविट में पवार ने यह बात कही। लाउडस्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में एमएनएस नेता राज ठाकरे की रैली को पुलिस ने सशर्त दी मंजूरी। 1 मई को सांस्कृतिक क्रीड़ा मैदान में होगी रैली। रैली के लिए पुलिस ने कड़ी शर्तें भी लगाई। नियम का उल्लंघन होने पर आयोजकों पर सीधे होगा केस दर्ज। महाराष्ट्र के भंडारा में एसडीओ पर हमला करने वाले आरोपी के साथ पुलिसकर्मियों ने की पार्टी। 3 पुलिस वाले निलंबित। मुंबई में लोकल एसी ट्रेन के सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी राहत। एसी लोकल ट्रेन के किरायों में 50% की हुई कटौती। रेलवे राज्य मंत्री ने किया ऐलान। रेलवे बोर्ड ने किराए में कटौती करने के फैसले को दी मंजूरी। मुंबई के मुलुंड इलाके में वीडियो पार्लर में छापेमारी मारी। पुलिस ने के डर से वीडियो पार्लर में मौजूद एक व्यक्ति की मौत। इस मामले में मुलुंड पुलिस ने एडीआर के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। सांसद नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद उनके विधायक पति रवि राणा की को नहीं मिली राहत। उनकी जमानत अर्जी पर कल होगी सुनवाई। मुंबई पुलिस ने केस में अपना जवाब किया दाखिल। हैदराबाद में भाषण के बीच रो पड़े AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, उनकी दुकानें तोड़ी गई। हम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं, हम सब्र से काम लेंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे।
मुंबई में झुग्गी वासियों के प्रतिनिधित्व ने राज्यपाल से मुलाकात की, पॉश इलाकों में रह रहे झुग्गी वासियों के लिए मदद मांगी। हरियाणा के झज्जर में अमोनिया गैस फैलने से क्षेत्र में हड़कंप, आंखों में जलन और उल्टी से परेशान हुए लोग, प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। राजस्थान के उधमपुर के जंगलों में पिछले चार दिनों से लगी आग पर अब नहीं पाया जा सका काबू, आग बुझाने के लिए जुटा दमकल दस्ता। सूरत के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, ठंडक के लिए पानी का हो रहा है छिड़काव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,300 से ज्यादा नए केस दर्ज, संक्रमण से 60 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,400 से ज्यादा के नए मामले सामने आए, दो मरीजों की मौत। बांग्लादेश के दौरे पर घर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम शेख हसीना से की मुलाकात, दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर हुई बात। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के दौरान बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत के उपयोग के लिए चटगांव बंदरगाह की पेशकश की। रूस ने यूक्रेन की राजधानी की पर जबरदस्त बमबारी की, कई इमारतों में लगी आग, कीव में तबाह हुए मकानों के बीच कई नागरिकों के फंसे होने की आशंका, यूक्रेन की इमरजेंसी सेवा का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस की यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई मुलाकात, यूएन प्रमुख की मौजूदगी में रूस ने बमबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को 33 अरब डॉलर की मदद देना चाहते हैं, मदद के लिए बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से अनुमति मांगी है। श्रीलंका संकट पर विपक्षी दल अड़े, कहा पीएम महिंदा राजपक्षे और मंत्रिमंडल की गैर मौजूदगी में ही बैठक में लेंगे हिस्सा।